हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे सोरियासिस के बारे में। यहाँ पर जानेंगे सोरियासिस के टाइप्स कितने होते हैं और क्या क्या सिम्टम्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर जानेंगे इसके कारण के बारे में, और यहाँ पर जानेंगे इसकी मेडिसिन के बारे में, मतलब कि इसका ट्रीटमेंट में कौन कौन सी मेडिसिन यूज की जाती हैं। तो सोरियासिस के केस में जो स्किन की ऊपर की लेयर होती है उस पर इस टाइप की पपड़ी जम जाती है, तो ये केस होता है सोरियासिस का। अब यहाँ पर जानेंगे टाइप्स ऑफ सोरियासिस के। सोरियासिस कितने टाइप्स के होते हैं? पहला होता है बल्गर सोरियासिस, दूसरा होता है सोरियाटिक एरिथ्रोडर्मा, नेक्स्ट होता है गुटेट सोरियासिस, उसके बाद आता है इनवर्स सोरियासिस, उसके बाद आता है पोस्टुलर सोरियासिस। तो ये सोरियासिस के टाइप्स हो जाते हैं। अब यहाँ पर जानेंगे सोरियासिस के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पर स्किन के ऊपर जो है लाल रंग के चकते पड़ जाते हैं, जिसको हम रैशेस के नाम से जानते हैं, और स्किन पे इस टाइप की देखिए पपड़ी जम जाती है। नेक्स्ट आता है क्रैक्ड स्किन, तो स्किन में देखिए इस टाइप की दरारें पड़ जाती हैं। अब जैसे ही स्किन में दरारें पड़ जाती हैं, यहाँ से जो ब्लड होता है उसका रिसाव शुरू हो जाता है। अब यहाँ से जैसे ही ब्लीडिंग शुरू हो जाती है तो ब्लड में होती है WBC जो कि पस का फॉर्मेशन करती है। यहाँ पर देखिए पस भी पड़ जाती है। उसके बाद आता है इचिंग, मतलब कि खुजली होना, तो उस लोकेशन पर यहाँ पर देखिए खुजली सी महसूस होती है। अब यहाँ पर नेक्स्ट आता है सोरनेस, सोरनेस मतलब होता है पीड़ा या दर्द, तो यहाँ पर देखिए दर्द का भी एहसास होता है। उसके बाद आता है थिक एंड नेल्स, तो ये नाखून जो होते हैं वो थिक हो जाते हैं। उसके बाद आता है जो ज्वाइंट्स होते हैं वो स्टिफ हो जाते हैं, और ज्वाइंट्स में यहाँ पर देखिए सूजन देखने को मिलती है। तो ये सोरियासिस के सिम्टम्स हो गए। अब यहाँ पर बात करेंगे इसके कॉज के बारे में, मतलब कि इसके कारण के बारे में। तो अगर हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है तो सोरियासिस यहाँ पर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर हमारी इम्यून सिस्टम जो है वीक क्यों होती है, मतलब कि कमजोर क्यों होती है, इसके क्या कारण होते हैं? पहला होता है स्ट्रेस और एंजाइटी, मतलब कि तनाव और चिंता। दूसरा एल्कोहल, मतलब कि ज़्यादा शराब पीना। नेक्स्ट होता है लैक ऑफ स्लीपिंग, मतलब कि कम सोना, और अनहेल्दी डाइट का यूज़ करना, और डिहाइड्रेशन मतलब कि बॉडी में पानी की कमी। उसके बाद लैक ऑफ एक्सरसाइज, मतलब कि एक्सरसाइज कम करना। नेक्स्ट आता है स्मोकिंग, जो लोग ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं तो उनको ये दिक्कत देखनी पड़ती है। यहाँ पर हम फिगर में देख पा रहे हैं, यहाँ पर देखिए स्मोकिंग और कुछ मेडिसिंस जिससे हमारी इम्यूनिटी जो है लो हो जाती है। अब ये देखिए इसको ट्रिगर करते हैं। अब जैसे ही ये इसको ट्रिगर करते हैं तो यहाँ पर देखिए सोरियासिस का केस देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जैसे ही हमारी इम्यूनिटी लो हो जाती है तो स्किन की जो ऊपर की सेल होती हैं वो तेजी से जो है वहाँ से रिमूव होना शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑइंटमेंट या क्रीम्स का यूज किया जाता है। तो कौन कौन से ऑइंटमेंट या क्रीम का यहाँ पर यूज किया जाता है? पहली होती है यहाँ पर कोर्टिलर, कोर्टिलर क्रीम में होता है हाइड्रोकोर्टिसोन। तो जैसे कि मैं बता चुका हूँ, अगर किसी भी मेडिसिन के अंत में अगर सोन टर्म आ जाता है तो उसका मतलब होता है उसका जो नेचर है वो स्टेरॉयडल नेचर होता है। कि स्टेरॉयडल नेचर होने की वजह से इसका जो काम होता है वो ये एलर्जी को दूर करती है और इन्फ्लामेशन को दूर करती है, और जिस जगह स्वेलिंग हुई है मतलब कि सूजन हुई है उसको दूर करती है, और रेडनेस और इचिंग मतलब कि खुजली और लालपन को ये दूर कर देती है। नेक्स्ट ऑइंटमेंट आता है टेक्रोलीमस ऑइंटमेंट, नेक्स्ट आती है टेजेरोटीन क्रीम। अब इन तीनों क्रीम में से कोई एक क्रीम का यूज कर लिया जाता है, मतलब कि जिस जगह पर सोरियासिस हुआ है उस लोकेशन पर ये क्रीम या ऑइंटमेंट लगा लिया जाता है। अब यहाँ पर बात करेंगे ओरल मेडिसिन की, तो कौन कौन सी यहाँ पर मेडिसिन का यूज किया जाता है? पहली आती है सिप्रोफ्लोक्सासिन, अगर किसी भी मेडिसिन के अंत में ऑक्सासिन टर्म आ जाता है तो उसका मतलब होता है ये मेडिसिन एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है। तो इस एंटीबायोटिक मेडिसिन के साथ साथ लिवोसिट्रिजिन जो कि एक एंटीहिस्टामिन ड्रग होती है, मतलब कि एंटी एलर्जिक ड्रग होती है, जिसकी जो स्ट्रेंथ है यहाँ पर 5 मिलीग्राम होती है। तो यहाँ पर इस एंटीबायोटिक के साथ ये लिवोसिट्रिजिन लगा लिया जाता है। उसके बाद में आता है डेक्सामेथासोन, अगर किसी भी मेडिसिन के अंत में सोन टर्म आ जाता है तो उसका मतलब होता है इसका जो नेचर है वो स्टेरॉयडल नेचर है, और स्टेरॉयडल नेचर होने के कारण ये चार काम करती है। पहला ये एलर्जी में काम करती है, दूसरा इन्फ्लामेशन में, स्वेलिंग और रेडनेस और ईचिंग मतलब कि खुजली में ये काम करेगी। तो इन तीनों मेडिसिन का कॉम्बिनेशन एज अ बीडी दिया जाता है, मतलब कि सुबह शाम, तो लगभग ये 1 वीक तक ये मेडिसिन चलती है, 1 सप्ताह तक इस मेडिसिन को लिया जाता है। सोरियासिस का केस ज़्यादा ही सीवियर हो जाता है तब यहाँ पर साइक्लोस्पोरिन कैप्सूल यूज़ किया जाता है, जिसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो 100 मिलीग्राम होती है। साइक्लोस्पोरिन का यहाँ पर क्या काम होता है?
साइक्लोस्पोरिन एक इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग होती है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देती है। नेक्स्ट आता है फोटोथेरेपी, या हम इसको लाइट थेरेपी के नाम से भी जानते हैं। तो ये हफ्ते में लगभग 2 से 3 बार ये थेरेपी करानी होती है। ओके,